देश के ऊर्जा उत्पादन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली महारत्न कंपनी एनटीपीसी राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसके उज्जवल भविष्य के पथ निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग देती रही है। देश में इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए एनटीपीसी द्वारा अपने नैगम सामाजिक दायित्व के तहत बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्म सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से विंध्याचल, सिंगरौली और रिहंद विद्युत परियोजना यानी वीएसआर में बालिका सशक्तिकरण अभियान अर्थात जैम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी तो भारत का भाग्य बदलेगा। अगर संसार चक्र को ठीक से चलाना है तो जितना सामर्थ्य और जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतना ही सामर्थ्य उतनी आवश्यकता महिला की है। बालिका सशक्तिकरण अभियान इस विचार के मुख्य प्रणेता एवं एनटीपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह जी द्वारा वीएसआर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 मई 2018 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में विंध्याचल, सिंगरौली और रिहंद परियोजना के आसपास के गांवों से पांचवी कक्षा में उत्तीर्ण 10 से 12 वर्ष की लगभग 400 बालिकाओं का चयन किया गया। देश के ग्रामीण लोगों के जनजीवन में जरूरी और मूलभूत सुधार लाने के उद्देश्य से आरंभ किए गए इस महत्वाकांक्षी अभियान का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण बच्चों के जीवन को एक नया आयाम देते हुए उनका ज्ञान वर्धन करना, उन्हें व्यक्तिगत साफ सफाई, जीवन प्रबंध कौशल, शारीरिक और साइबर संरक्षा के प्रति जागरूक बनाते हुए उनके सपनों को नई उड़ान देकर उनमें जीवन में कुछ कर गुजरने की अलग जगाना है।
कार्यक्रम का समापन एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। इस रंगारंग कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा दी गई शानदार प्रस्तुतियों को देखकर सहजी अनुमान हो जाता है कि जैम से बालिकाओं के हुनर में न केवल निखार आया है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। बच्चों को इतना पता अपने अंदर लाने की क्षमता थी कि आप आगे कुछ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बन सकते हैं और उनके अंदर से सभी गलत भावना सब निकाल दें। एक महीने की छुट्टी के दरमियान जो हमारे बच्चे सीखे वो उनके जिंदगी में आगे तक बहुत पूरे जिंदगी उनको ये सीख मिलते रहेगा और उस सीख को वो अपने जानकारी के अनुसार और 130 बच्चे अपने अगल बगल के क्षेत्र से आए थे। 130 बच्चे मिल करके अगर चाहें तो पूरे बच्चों को सही कर सकते हैं। इस अभियान के अपेक्षित परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे।